वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के नंबर के बारे में। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का जो क्वार्टर फोर का नंबर है वो यहाँ पे आ गया है। NSE और BSE दोनों में आपको ये नंबर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो कंपनी ने फाइनल डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस किया है 0.4 रुपीज ओनली पर इक्विटी शेयर। ये समझ में नहीं आया कुछ। फाइनल डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10% दैट इज 0.4 ओनली रुपीज ओनली पर इक्विटी शेयर ऑफ 4 रुपीज ईच फुली पेड सब्जेक्टेड टू। ये क्लियर नहीं है कितना है, 4 रुपये पर शेयर का कि 40 पैसे का। यहाँ पे हमको तो लग रहा है 40 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। अब यहाँ पे देखते हैं जो नंबर हैं वो यहाँ पे कैसे हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ स्टैंड लोन है। तो कंसोलिडेटेड नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। तो स्टैंड लोन ही ये नंबर है, कंसोलिडेटेड आएगा नीचे होगा, ये आ गया स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड रिजल्ट। ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे लैक्स में दिया गया है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको नोट करना है। जो टोटल इनकम है वो कितनी आई है ये देख सकते हैं, लैक्स में है 293 करोड़। लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 344 करोड़ आया था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 376 करोड़ के आसपास आया था। जो टोटल एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, वो यहाँ पे कितने आए, 277 करोड़ के आसपास। लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 315 करोड़ के आसपास आया था और लास्ट ईयर यहाँ पे 342 करोड़ के आसपास आया था। तो जो प्रॉफिट वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी यहाँ पे डाउन हो गया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी यहाँ पे डाउन हो गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ऑफकोर्स अगर जो इनकम होगी अगर वो डाउन होगी तो यहाँ पे एक्सपेंसेस भी डाउन होंगे। प्रॉफिट यहाँ पे कितना आया, मेन मुद्दे की बात आ जाती है। अब ये बिफोर टैक्स जो है यहाँ पे प्रॉफिट जो जनरेट होके आया है वो यहाँ पे 20 करोड़ का प्रॉफिट जो आया है। लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 33.83 करोड़ का आया था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 35 करोड़ के आसपास आया था। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी यहाँ पे डाउन है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं आफ्टर टैक्स यहाँ पे कितना आया है, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 14.89 करोड़ का आया है। लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 27 करोड़ का आया था और लास्ट ईयर यहाँ पे 27.5 करोड़ का आया था। तो यहाँ भी नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के नंबर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव साइड हमको दिखाई पड़ रहे हैं। और मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी वो क्या थी वो कल ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाएगा कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था और मार्केट को नंबर यहाँ पे कंपनी ने क्या पेश किए हैं। आपको कैसे लगे नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की जो क्वार्टर 4 से रिलेटेड अपडेट आ रही है वो यहाँ पर आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।